राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर पूरे देश में भाजपा गांधी संकल्प यात्रा का आयोजन कर रही है। इसी कड़ी में चंदौली में भी गांधी संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे ने महात्मा गांधी के संदर्भ में वक्तव्य देते हुए कहा कि सिर्फ फिरोज गांधी के नाम के आगे गांधी लगा था, इस परिवार के बाकी लोग नेहरू लिखते थे, लेकिन जब कांग्रेसियों का लगा कि गांधी के नाम को भुनाया जा सकता है तो उन्होंने नेहरू का नाम छोड़ अपना टाइटल गांधी रख लिया। साथ ही डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे ने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ गांधी के नाम का इस्तेमाल किया है, विचारों को बहुत पहले ही छोड़ चुकी है। अब जब महात्मा गांधी के विचारों को प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने अपनाया है तो ये देखकर कांग्रेसियों को बहुत तकलीफ होती होगी। किसी की आलोचना हम नहीं कर रहे हैं। फिरोज गांधी से शादी हुई थी, फिरोज गांधी के संग गांधी लगा था और सबके संग नेहरू लगा था, लेकिन लगा कि नहीं गांधी वाला माल चल सकता है, इसलिए नेहरू को लोग छोड़ दिए। अब गांधी टाइटल आज तक चला रहे हैं, लेकिन गांधी टाइटल चला रहे हैं, गांधी के विचार को कांग्रेस ने कितना वर्ष पहले ही छोड़ दिया। आज उनको तकलीफ होती होगी कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने तो गांधी के सारे विचारों को अपना लिया, लेकिन उन्हें सोचना चाहिए, कांग्रेस हो या देश की अन्य पार्टियों को, कि आज गांधी के विचारों को अपना करके इस देश की जो सच्ची सेवा, स्वच्छता, साफ सफाई, गरीबों के कल्याण की योजनाएं, विकास, ये सारे मुद्दे इस हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बहुत शान से संपन्न कर रही है। जनता का भी आशीर्वाद है। जनता ने उस समय 282 दिया और जनता ने उसके साथ मिला के अन्य दलों को मिला के 319 का बहुमत दिया। उसके बाद गांधी जी के विचारों का प्रभाव, मोदी जी के व्यक्तित्व का प्रभाव कि देश के अंदर लगातार राज्य दर राज्य हमारे देश की जनता ने नरेंद्र मोदी पर, भाजपा पर विश्वास किया, राजग गठबंधन पर विश्वास किया और भाजपा को 303 एमपी और 50 सहयोगी 353 का बहुमत दिया। राज्यसभा में भी आज बहुमत की परिस्थिति तक हम पहुंच रहे हैं। आज देश के अंदर हम लोगों ने ऐसे कड़े, ऐसे बड़े कदम उठाए हैं, चाहे 370 को हटाना हो, छोटा मोटा विषय नहीं है, 370 को हटाना हिंदुस्तान नहीं दुनिया का सबसे बड़ा राजनीति। वहीं यूपी में होने वाले उपचुनाव के बारे में डॉक्टर महेंद्र पांडे ने कहा कि भाजपा सभी सीटों पर 100% चुनाव जीतेगी। जो पार्टी के पास अपना सिंबल नहीं जमा कर पाने की सामर्थ्य या तत्परता है, उससे अधिक हम चुनाव में मतदाताओं के पास तो दो चक्कर हो चुके हैं, हम 100% चुनाव जीतेंगे। 100% भाजपा चुनाव जीतेगी। जो पार्टियां अपना सिंबल नहीं जमा करने की सामर्थ्य है या तत्परता है, उससे अधिक हम चुनाव में मतदाताओं तक दो चक्कर हो चुके हैं, हम 100% चुनाव जीतेंगे। इसके साथ ही दीपावली पर खुशखबरी वाले यूपी सीएम योगी के बयान पर जवाब देते हुए केंद्र मंत्री ने कहा, अनेक काम योगी आदित्यनाथ जी राज्य में कर रहे हैं, संत महात्मा भी हैं, उन्होंने कुछ आशीर्वचन कहे तो अच्छा ही कहा है। अनेक काम माननीय योगी आदित्यनाथ जी राज्य में कर रहे हैं, अब संत महात्मा भी हैं, उन्होंने कुछ आशीर्वचन कहा है तो अच्छा ही कहा। राम मंदिर है क्या? अनेक अच्छे काम हो, साधु संत है तो राम मंदिर, साधु संत है जो उन्होंने कहा है, समाज की भलाई के अनेक काम वो कर रहे हैं, वो खुशखबरी लगा। राम मंदिर है क्या मंदिर? बता दें कि इस पदयात्रा की शुरुआत मुगलसराय विधानसभा के दुल्हीपुर गांव से केंद्रीय मंत्री और चंदौली के सांसद डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे ने की। इस दौरान आयोजित समारोह में मौजूद एक जादूगर ने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे का जादुई तरीके से स्वागत और माल्यार्पण भी किया। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंदौली से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट।